to all students. Today is day 3 and lesson number 3, who is talking. So students, today we are going to learn animal sounds name. All animals have something to say. क्या बोल रहे हैं वो? हर animals जो होते हैं, there are two types of animal in the world, wild animals and domestic animals. So students, हर animals का एक sound जो होता है वो अलग name sound जो quality वो सबकी different होती है. So क्या बोल रहा है? All animals have something to say. हर animals कुछ ना कुछ कहता है, but वो हम उसकी उनकी जो language है वो हम नहीं समझ सकते. ठीक है, देन मैच द नंबर्स ऑफ द एनिमल्स टू द साउंड्स दे मेक. यहाँ पर ओपन द पेज नंबर 3, ओके, एंड लोकेट द पिक्चर. वहां पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हो, ओवेल है, क्रो है, स्पैरो है, हॉर्स है, पिग है, टाइगर है, देन स्नेक है, मंकी है. देर आर 8 पिक्चर्स, ओके, टोटल कितने है? 8. यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 8 पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको एनिमल्स के, हर एनिमल्स जो है वो डिफरेंट साउंड उनका होता है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एनिमल्स टू द साउंड दे मेक. हर एनिमल्स जो है अपना एक साउंड आवाज निकालना जिसको हम बोलते हैं, सबकी क्या होती है? डिफरेंट होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं आपको, ठीक है, सो हर एनिमल्स जो है अपनी उसकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, वो उसमें वो जो है उनका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उनकी फीलिंग्स है, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे अभी हम लेते हैं कि हम जो कंट्री में रहते उसका नाम क्या है? इंडिया. जो हम देश में रहते हैं, भारत, ओके. सो हमारे इंडिया जो में बहुत सारे रिलीजियंस के लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. ठीक है, हमारा जो कंट्री है, जितने धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, मींस इंडिया में रहते हैं, उतना अदर कंट्री में नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, पंजाबी, बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं, रिलीजियंस के, वो एक साथ हमारे सोसाइटी में हम एक दूसरे से मिलजुल कर साथ में रहते. हर एक का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते, जैसे होली, ईद, ओके, बैसाखी और बहुत सारे ऐसे जो फेस्टिवल्स है जो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, देन ये हो गया. उसके बाद जैसे हमारे जो स्टेट्स है, देर आर 29 स्टेट इन इंडिया, टोटल कितने है? 29. अब यहाँ पर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे ऐसे, चंडीगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स है. ठीक है, सो हर स्टेट्स की एक पर्टिकुलर मदर टंग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंडिया में तो रहते हैं, बट इंडिया में हम कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं? वो है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की जो मदर टंग है वो है मराठी. ठीक है, वो क्या है? मराठी. देन आप गुजरात चले जाओ तो गुजरात की जो मदर टंग है वो है गुजराती. आप कश्मीर चले जाएंगे तो कश्मीर क्या आएंगे? कश्मीरी. ठीक है, पंजाब जाएंगे तो वहां की लैंग्वेज होगी पंजाबी. मदर टंग की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि हर स्टेट में जो है ना वो लैंग्वेज चेंज होती रहती है. ओके, अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग जो है गुजरात में गुजराती के अंदर कम्युनिकेशन करते दिखेंगे. देन अगर आप कोई गुजराती महाराष्ट्र में आया
तो उसको ज्यादातर हम लोग जो हम आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बातचीत करते हो, किसमें करते हैं? मराठी। ओके, सो यहाँ पर जो है क्या चेंज होती है, लैंग्वेज मदर टंग। ओके, देन आप कोई पार्क में जाते हो, गार्डन में जाते हो, तो वहां पे आपको लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सब चीज दिखाई देती है, ठीक है। उसमें आपको वाइल्ड एनिमल्स भी दिखाई देगा, डोमेस्टिक एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं जू, चिड़ियाघर, ठीक है। देन हमारे आसपास बहुत सारे हम आपकी एज के, मेरी एज के, आपकी मम्मी पापा के, हर एक के एज के कोई ना कोई दिखेंगे आपको, आगे जो अपनी फैमिली के साथ वह टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। हम इंजॉयमेंट के लिए आते हो आगे। सो अगर हम वहाँ पर अगर बैठे अचानक से कहीं से कोने से रोने की आवाज आ रही है, तो हम वहां पर क्या गेस करते हैं? अरे कोई चाइल्ड की, कोई बच्चे की आवाज है, अरे ये कोई कोई बड़े की आवाज है। मतलब हम क्या करते हैं, साउंड जो है उसका वॉइस, आवाज, उससे हम गेस करते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वैसे ही एनिमल्स, जैसे अगर आप घर में बैठे हो अचानक से म्याऊं, आप बोल दे रहे यहाँ पे आसपास है ना कैट, यहाँ होता है ना, या कोई बात कर रहा है डॉग जो है जोर जोर से, तो हम बोल दे रहे डॉग, डॉग की आवाज है, ठीक है। डोंकी, देख हम देख नहीं रहे डोंकी को, बट उसकी जो वॉइस है, साउंड है, उससे हम उसको गेस करते हैं, अरे ये डोंकी की आवाज है। समझ में आ रहा? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न एनिमल साउंड्स नेम। सो यहाँ पर देखेंगे, अभी मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने जो आपकी टेक्स्ट बुक दिख रही है, टेक्स्ट बुक में जो नेम्स दिया हुआ रैंडमली दिया है, मीन्स ऊपर नीचे सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। उसके सामने आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है कॉलम, तो उसमें आपको नंबर्स राइट डाउन करने हैं। वहां पर आपको एनिमल्स के ने पिक्चर्स दिए, ठीक है, वहां पर एनिमल का नेम नहीं दिया है। आप आई होप कि आपको पता है हम जो ये नर्सरी जूनियर सीनियर से हम ये लर्न करते आ रहे एनिमल्स के नेम। ओके, सो ये जो नेम्स है एकदम इजी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोयल है, क्रो है, स्पैरो है, हॉर्स है, पिग है, टाइगर है, स्नेक है, मंकी है, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है। सो वहां पर क्या करना है आपको, ये जो एनिमल्स के नेम्स दिए आपको, उनके साउंड नेम, एनिमल साउंड नेम, वो हमको फाइंड आउट करना है। और वहां पर उसके सामने साउंड नेम वहां पे ऑलरेडी दिया है, रोर, हूट, हिनी, हिस, चैटर, चिप, काउ, ग्रन, ये एनिमल साउंड्स नेम, ठीक है। सो उनके सामने वहां पे पिक्चर्स दिए, तो नंबर वन पिक्चर जो है ओवेल की दिख रही है आपको अबे। सो वहां पर वो कौन सा साउंड बनाता, आवाज कैसी निकालता है, तो वहां पर हमको वो उसका साउंड नेम फाइंड आउट करना है। उसके सामने जो एनिमल का जो नंबर्स दिया है, वही नंबर्स वहाँ पे आपको राइट डाउन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा है, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड में जो है वो आप जो ये कर सकते हो, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हो। तो अभी आप मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको पहले वो समझना है, ठीक है। सो लुक एट द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज वेल दिख रहा है आपको। सो वहां पर जो उसका जो साउंड क्वालिटी है, साउंड तो वो कैसा निकालता है, हूट। देखो मैंने जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में राइट डाउन किया हुआ है, सेम मैंने एज इट इज यहाँ पे किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट क्या है, रोर जो सिक्स पे दिख रहा है आपको, टाइगर दिख रहा है, तो उसका वैसे दिया मैंने यहाँ पे, समझ में आया। तो उसका जो टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो इनकी जो जो साउंड क्वालिटी है, साउंड वो कैसे निकालते हैं, रोड़ धाड़ना, ठीक है। सो फर्स्ट क्या आ गया, हुड, ठीक है। तो हुड जो नेम दिया है ना आपको टेक्स्ट बुक में, देखो आपकी जो नेम्स दिया है आपको, वो नेम्स के आगे वो सिर्फ नंबर्स राइट डाउन कर दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर जो नेम्स दिया उसके सामने जो नंबर दिया है ना, तो आपको नेम रीड करना है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसके सामने कौन सा नंबर मैंने राइट डाउन किया है, सेम एज इट इज आपको वो
कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो यहां पर देखेंगे नंबर वन क्या आएगा, हुड। नंबर टू क्या है, क्रो। क्रो का जो साउंड होता है वो कैसे निकालता है, काऊ 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 करता है ना, सो क्रो क्या है, काऊ। देन थ्री है स्पैरो, दिख रहा है आपको, चिप 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 करता है ना। देन फोर्थ क्या है, हॉर्स, नी, उसका क्या आएगा, नी। देन फाइव पी, ग्रंट। सिक्स यहाँ पे टाइगर, लॉयन, सो उसका जो सेम जो साउंड है वो है रोर, क्या है, धारणा, रोर। सेवन स्नेक, सांप, हिस, क्या आएगा उसका, हिस। और लास्ट इज मंकी, चैटर, क्या आएगा, चैटर, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन किया है। देन और भी बहुत सारे एनिमल्स है, लाइक डॉग, बार, कैट, मियाओ, कैमल्स, ग्रंट, काउ, मू, डियर, बेल, डोंकी, ब्रे, डक, क्वैक, एंड एलिफेंट, ट्रम्पेट। समझ में आ रहा। सो ये जो मैंने अभी रीड किया है, ये क्या, मैंने एनिमल्स के नेम विद एनिमल साउंड, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा लेसन था उसके ऊपर बेस्ड था, एनिमल साउंड्स, ओके। सो स्टूडेंट वी टुडे वी लर्न एनिमल साउंड्स नेम। सो आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिर से उस पर लर्न करें। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।